15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दे ये तीन चीजें, वरना ये चीजें होती है दुख और गरीबी का सबसे बड़ा कारण। क्या आप अपनी गरीबी और तंगहाली से परेशान हो चुके हैं? क्या आपके जीवन में भी रोज नई नई परेशानियां आती रहती है? क्या आपको अपने दुखों का कोई निवारण नहीं मिल रहा है? आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है। आप पूजा पाठ और ईश्वर की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इस नवरात्रि आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दे ये तीन चीजें, वरना होती है ये चीजें दुख और गरीबी का सबसे बड़ा कारण। तो आप भी आचार्य जी की बात मानते हुए इस नवरात्रि ये काम जरूर करें, इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं जिसे घर से बाहर फेंकनी चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में बुद्धादित्य और वैधृति योग का खास संयोग बन रहा है, जो सभी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन इस महायोग का बनना पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये महासंयोग 30 साल बाद बन रहा है। इस संयोग में माता रानी की पूजा आराधना करने से मुंह मांगे मुराद पूरी होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर की साफ सफाई के बिना घर में माता रानी को बुलाकर उनकी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि माता रानी हमेशा साफ सुथरी जगह और निर्मल हृदय में ही वास करती है। साफ सफाई करते समय कुछ खास चीजें घर से बाहर जरूर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें नवरात्रि की सफाई में घर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप अपने घर से नवरात्रि की सफाई में खंडित या खराब हो चुकी मूर्तियों या देवी देवताओं की खराब हो चुकी फोटो, जिसे अक्सर आप घर के किसी कोने में रख देते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। दरअसल खंडित या टूटी फूटी मूर्तियों का या फोटो का घर में रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना गया है। घर में रखी ये मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। इसके अलावा आप अपने घर में फटे पुराने चप्पल, जूते या बेकार या फटे हुए कपड़े अगर इकट्ठा करके रखते हैं, तो उन्हें भी नवरात्रि पूजा से पहले घर से बाहर कर दें। आपके किचन में अगर पुराने टूटे या दरारों वाले कांच या फाइबर के बर्तन और डिब्बे हैं, तो उन्हें भी आप घर से बाहर निकाल दें। घर में और भी अगर टूटी फूटी बेकार की चीजें हैं, तो उन्हें भी आप सभी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती है और माँ दुर्गा इन चीजों के घर में रहने से अप्रसन्न होती है। नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों के घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान होती है। उनकी पूजा आराधना करके आप उन्हें मनाते हैं, उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे में घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तभी तो माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इसीलिए आप नवरात्रि में माता रानी के आगमन से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या शराब, तंबाकू जैसी चीजें घर से बाहर निकाल दें और घर को गंगा जल से शुद्ध करके माता रानी के आगमन की तैयारी करें। घर को साफ सफाई के साथ साथ आप किचन या फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना या कोई भी खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी है, उसे बाहर निकाल दें। बासी खाना या खराब हो चुका खाना, अचार, मुरब्बा भी घर से बाहर निकाल दें। घर में रखी खाने पीने की खराब चीजें माँ दुर्गा को नाराज कर देती हैं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है और इसी वजह से माँ दुर्गा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए उनके आने से पहले ही आप अपने घर से ये सारी चीजें निकाल कर बाहर कर दें। फिर देखिए इस नवरात्रि कैसे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।